हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतिभा। प्रतिभा के चैनल मन भावन रसोई में आप सभी का स्वागत है। जब हम दाल सब्जी खाते खाते बोर हो जाते हैं तो उसकी जगह छोले बनाते हैं या तो राजमा। तो आज मैं बहुत कम मेहनत में घर पे पड़े ही सामानों से टेस्टी राजमा करी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये राजमा करी आप सभी को बहुत पसंद आएगा, तो चलिए सुपर टेस्टी राजमा करी को बनाना शुरू करते हैं। राजमा करी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1/2 kg राजमा लिया था और 1 से 2 बार पानी से अच्छी तरह से धुलकर इसे हमने ओवरनाइट पानी में सोख करके रखा था। और ये राजमा बहुत ही बढ़िया से फूल गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। राजमा को कम से कम 8 से 9 घंटे पानी में सोख करके रखें, तभी ये बढ़िया से फूल पाता है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आपके पास टाइम कम हो और आप भिगोना भूल गए हो तो आप कम से कम गर्म पानी में 4 से 5 घंटे ज़रूर सोख करके रखें। तब इसे हमें बॉयल करना है, तो इसके पानी को हम ड्रेन कर लिया और इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धुल लिए हैं। तब इसे हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें डाल देंगे। तो सारे राजमा को डाल देते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी हमें इसमें इतना डालना है कि राजमा अच्छी तरह से डिप हो जाए, यानी राजमे के ऊपर तक पानी डालना है। तो यहाँ पे हम पानी डाल दिए। यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिससे बढ़िया फ्लेवर आए। तो 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, इसे हमने बीच से तोड़ लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और 1 छोटी इलायची, इसे भी हमने बीच से तोड़ लिया है। यहीं पे 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर के लीड को बंद करेंगे और इसे गैस ऑन करके इसके ऊपर रखेंगे। फ्लेम को मीडियम रहने देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम 5 से 6 सीटी आने देंगे। तो यहाँ पे 6 सीटी आ चुकी है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अपने आप ठंडा होने देंगे। कभी कभी राजमा को बॉयल होने में 1 से 2 सीटी आगे पीछे हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर ठंडा हो गया है, तब इसके लेट को खोल के राजमा को चेक कर लेते हैं। तो इसे इस तरह से राजमा को मैश करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से मैश हो जा रहा है, बहुत ही बढ़िया से बॉयल हो चुका है हमारा राजमा। फिर से हम दिखाते हैं दबा के, इससे ज़्यादा इसे बॉयल नहीं करना है। तब हम गैस को ऑन करेंगे और उस पर मोटे तले की 1 कढ़ाई रखेंगे। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, जिसमें हम राजमा को बॉयल किए थे, उस प्रेशर कुकर में भी आप चाहे तो बना सकते हैं। तो हम राजमा करी को सरसों के तेल में बना रहे हैं, आप जो तेल खाते हो उसमें भी इसे बना सकते हैं। तेल को बढ़िया से गर्म होने देते हैं। तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है, तो इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा को थोड़ी देर हम भून लेंगे। और बॉयल करते टाइम जो हम तेज पत्ता राजमा में डाले थे उसे निकाल लिए हैं, इसे वापस हम तेल में डाल देंगे। 3 बड़ी प्याज को हमने इस तरह से स्लाइस में काट लिया था, इसे डाल देते हैं और इसे अब हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखे हैं, यह बढ़िया से मिक्स कर लिए। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे हम जब तक कि लाइट गोल्डन कलर इसका ना हो जाए तब तक भूनेंगे। तो इसे इसी तरह से बीच बीच में हम चलाते हुए भूनेंगे। जब तक हमारा प्याज भून रहा है तब तक हम टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। तो उसके लिए 2 पके लाल टमाटर हम लिए थे, उसे धुलकर रफली चॉप्ड कर लिए थे। तो अब इसे अब हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे हम 6 मिर्च लिए हैं, ये हरी मिर्च थी और ये सूख के लाल हो गई है, इससे कलर राजमे का बहुत ही सुंदर आएगा। तो दोनों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल देते हैं। टमाटर और मिर्ची को हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिए, अब इसके कैप को बंद करेंगे और ग्राइंड करेंगे। तो इसे हमने ग्राइंड कर लिया और प्यूरी बना के तैयार कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के बढ़िया से मिक्स करेंगे। पानी हम 3 से 4 चम्मच के लगभग डाले हैं। इस तरह से मसाले को घोल के रखने से मसाले का टेस्ट बढ़ जाता है, तो इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे और रख देंगे। इधर प्याज को भी चेक कर लेते हैं, तो प्याज धीरे धीरे लाइट गोल्डन कलर होना शुरू हो गया है। इसी के साथ 1 चम्मच अदरक लहसुन का हम पेस्ट डालेंगे, तो यहाँ पे हम पहले से बना के रख लिए थे, इसे डाल देते हैं ताकि साथ में ये भी भून जाए प्याज के। तो इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं।
तो यहाँ पे प्याज को बीच बीच में हम चलाते रहेंगे जिससे ये बढ़िया से भून जाए, और लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने डाला था वो भी बढ़िया से भून जाए। तो इसे इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए बढ़िया से भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज का कलर गोल्डन कलर हो चुका है, बहुत ही बढ़िया से भून चुका है। अब हम यहाँ पे एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे राजमा करी का कलर बहुत ही सुंदर आएगा। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, इसे हम तेल में इसलिए डाल रहे हैं कि इसका कलर सुंदर आए। फ्लेम को लो कर देंगे, तेल में इस तरह से लाल मिर्च और काश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर बहुत सुंदर आता है। इसी के साथ जो सूखे मसालों को हम पानी में पेस्ट बना के रखे थे उसे डाल देते हैं। थोड़ा सा कटोरी में पानी डालेंगे, उसे भी साफ करके डालेंगे, जो कि बाउल में सारे मसाले लगे रहेंगे वो अच्छी तरह से आ जाए। तो ये डाल देते हैं और बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो मसाले को हम थोड़ी देर भून लेंगे जिससे मसाले बढ़िया से भून जाए, इसलिए इसे कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे तो ये देखिए मसाले बढ़िया से भून चुके हैं। मिक्स कर लेते हैं, हम पास से आपको दिखाते हैं। अब हम जो टमाटर और मिर्ची का पेस्ट बना के रखे थे उसे डाल देंगे ताकि ये भी साथ में भून जाए। मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। टमाटर जल्दी से पक जाए उसके लिए यहीं पे अब हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। तो नमक थोड़ा संभल के डालें क्योंकि राजमा को बॉईल करते टाइम भी हम डाले थे। नमक डाल के बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे। इसे अब हम तब तक भूनेंगे मसाले को जब तक ये तेल न छोड़ दे, और ये जब भूनेगा तो कम हो जाएगा। तो इसे कवर कर देते हैं, थोड़ी देर बाद चेक कर लेते हैं। मसाले को एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं जिससे ये नीचे से लगे नहीं, इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे क्योंकि अभी देखिए जब ये भुनेगा तो कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे तेल छोड़ना शुरू कर दिया है मसाला, तो इसे थोड़ी थोड़ी देर पे इस तरह से हम ढकते रहेंगे और बीच बीच में चलाते हुए मसाले को भून लेंगे। फिर से कवर कर देते हैं। तो ये देखिए मसाला बहुत ही बढ़िया से भून चुका है, जैसा कि देख रहे हैं किनारे से बिल्कुल तेल छोड़ दिया है मसाले ने और पहले से कम भी हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया से मसाला भून चुका है। तो इस स्टेज पे अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी आप उतना डालें जितनी ग्रेवी को आप गाढ़ी पतली रखना चाहते हो। तो हम यहाँ पे 2 गिलास के लगभग डाल रहे हैं क्योंकि अभी राजमा में भी थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी जाएगा। तो यहाँ पे जो राजमा को हम बॉयल करके रखे थे उसे डाल देते हैं उसी के पानी के साथ। पानी को फेंके नहीं, पानी के साथ डालें। तो सारे राजमा को हम डाल दिए, बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और एक बार राजमे का कलर देखिए, काश्मीरी लाल मिर्च और टमाटर डालने से कलर कितना सुंदर आया है। ये देखिए मसाले जो खड़े हम बॉयल करते टाइम डाले थे उसे हम हटा लिए हैं, तो इसे हम फेंक देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसे ढककर 5 से 6 मिनट पका लेंगे। तो ये 6 मिनट हो चुके हैं, इसे हटा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए राजमा बहुत ही बढ़िया से पक चुका है। तो इससे ज़्यादा पानी को हम नहीं सुखाएंगे, इतना ही हमें इसे रखना है। आप जितना गाढ़ा पतला रखना चाहें अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। तब इस स्टेज पर अब हम कटी हुई हरी धनिया डालेंगे, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है। तो ये राजमा यमी बन के हमारा तैयार है, और देखिए इसे बनाना कितना आसान है। अब हम राजमा को एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउल में इसे निकाल लिया है। अब इसे हम गार्निश कर रहे हैं कटे हुए हरे धनिए से और अदरक के टुकड़े से। ये पतले पतले टुकड़े हमने काट लिए हैं। एक हरी मिर्च के हमने पतले पतले टुकड़े कर लिए हैं, इसे भी लगा देते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट वाले इसी तरह से सर्व करते हैं ना। तो ये देखिए होटल स्टाइल राजमा करी हमारी बनके तैयार है, और इसका कलर देखिए और टेस्ट में तो मत पूछिए, बहुत ही टेस्टी बना है। तो फटाफट इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो हम इसे सर्व कर रहे हैं राइस के साथ, आप इसे पूरी रोटी जिसके साथ खाना चाहे खा सकते हैं। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। राइस हमने सर्व कर लिया, अब हम राजमा को सर्व कर लेते हैं। तो ये राजमा को हमने सर्व कर लिया। कुछ कटे हुए प्याज रख देते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट में ऐसे देते हैं ना, तो ये हम रख दिए। कुछ राजमा के ऊपर भी गार्निश कर देते हैं। तो ये लीजिए मज़ेदार सुपर टेस्टी राजमा करी हमारा बनके तैयार है, वो भी घर पे पड़े सामानों से। इस सुपर टेस्टी राजमा करी को एक बार ट्राई करना तो बनता है, तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। और ट्राई करने पे अगर ये राजमा करी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।